हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। सो कैसे हैं आप सब? होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो, जैसे मैंने आपसे कहा था कि बैक टू बैक आप लोगों को कुछ वीडियोस भेजूंगी कंज्यूमर बिहेवियर के रिगार्डिंग, तो उसी में से एक सीरीज, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए डिजिटल मार्केटिंग एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है वो आप लोगों के लिए भेज रही हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग की जो टेक्निक्स हैं, इन टेक्निक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल पर नए आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 10, मैनेजमेंट की ये सारी यूनिट्स आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगी। तो जल्दी से गो थ्रू कर लीजिए और अपनी तैयारी को एक फटाफट से जंप दे दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। व्हाट इज द डिजिटल मार्केटिंग? ये जो टर्म है, इस टर्म से आपको क्या समझ में आता है, आखिर क्या होता होगा ये डिजिटल? जैसे आप देख ही रहे हो, हर जगह पर डिजिटलाइजेशन हो रहा है। कहीं अगर आप पे करने जाते हो तो पे के लिए भी कहा जाता है कि पेटीएम यूज करिए, या फिर आप अपना जी गूगल पे कर दीजिए या फोन पे कर दीजिए। तो डिजिटलाइजेशन, पैसों को भी डिजिटल माध्यम से हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग आखिर है क्या? कहीं ना कहीं इट इज रिलेटेड टू द इंटरनेट, कि इंटरनेट से कहीं ना कहीं ये आपका रिलेट कर रहा है, ये तो हमें समझ में आ ही गया। और मार्केटिंग क्या है? जो हमारी बाइंग और सेलिंग वाली जो प्रोसेस होती है, उसी की यहाँ पर बात की जा रही है। तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा कंपोनेंट है मार्केटिंग का, जिसमें इंटरनेट का यूज होता है। इंटरनेट एंड ऑनलाइन बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यहाँ पर यूज किया जाता है। ऑनलाइन बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी यानी कि आपका जो स्मार्टफोन है, जो कि किससे चलता है, जो आपके इंटरनेट से चलता है, वहां वो आपकी बात हो गई। आपका लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, इन सबके माध्यम से आप यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को आपको सेल आउट कर सकते हो, जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, मीशो हो गया। ये सारी कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही अपना सर्वाइव कर रही हैं, काम करवा रही हैं। क्योंकि लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए कि घर बैठे बैठे सारा काम हो जाए, पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में आ जाए। आजकल यही चाहिए, बहुत भागदौड़ वाली जिंदगी हो गई है। नहीं पसंद है कि ऑफिस से लौटने के बाद हम शॉपिंग करने जाए तो घर बैठे बैठे अपना सामान मंगा लिया, नहीं पसंद आया वापस कर दिया, इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है तो कौन छोड़ेगा। बस वही वाला यहाँ पर फंडा है। सो कंज्यूमर हैवली रिलाय ऑन दी डिजिटल मीन्स रिसर्च प्रोडक्ट। यहाँ पर वो डिजिटल का मतलब हो गया कि एक तरह से वो प्रोडक्ट को रिसर्च भी कर सकते हैं। तो और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि आप गूगल मार्केटिंग करना चाहते हो तो कुछ भी आपको चाहिए तो आप क्या करोगे ना, गूगल पर सर्च आउट कर लोगे, इंक्वायरी करना सर्च कर देते हो, तो सर्च इंजन पे इंक्वायरी कर लेते हो, ब्रांड की वेबसाइट्स पर चले जाते हो, जैसे कि ममा अर्थ क्या है इसके बारे में पता करना है तो आपने ब्रांड की वेबसाइट खोली या गूगल पर सर्च कर लिया। सबसे ज्यादा लोग तो गूगल सर्च करते हैं, उसके बाद कुछ जो लोग होते हैं वो वेबसाइट्स पर चले जाते हैं या फिर कुछ मोबाइल के एप्लीकेशंस पर देख लेते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आप इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर रहे हो, आप एक तरह से टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, उसमें इंटरनेट होना जरूरी है, वो आपका डिजिटल मार्केटिंग हो जाता है। तो डिजिटल मार्केटिंग हम कह सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एक एसेट्स होता है, एक ऐसा टूल होता है जिसे हम ऑनलाइन यूज करते हैं। यहाँ पर कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, जैसे कि सोशल मीडिया की प्रोफाइल हो गई है, वेबसाइट्स हो गई है, इमेजेस और वीडियो के कंटेंट्स हो गए हैं, ब्लॉग्स हो गया है, रिव्यू और कस्टमर टेस्टिमोनियल्स, आपके जो ब्रांडेड लोगोस, इमेज और आइकॉन्स हैं, इन सब के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हो कि दे आर दी बेसिक एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सोशल मीडिया प्रोफाइल, फेसबुक, वेबसाइट्स होगी, डिफरेंट काइंड ऑफ वेबसाइट जो भी आपको उसके लिए चाहिए, NTUGC की वेबसाइट ले लो, इमेज और वीडियो के कंटेंट, बुक की हम बात करें, कस्टमर टेस्टिमोनियल, सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि डिजिटल मार्केटिंग एक तरह का सॉल्यूशन होता है जो घर बैठे बैठे आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा देता है, ई कॉमर्स के थ्रू, कंटेंट मार्केट के थ्रू, आपका जो वीडियोस के थ्रू, SEO के थ्रू, सर्च ऑप्टिमाइजेशन इंजन के थ्रू, ब्रांडिंग के थ्रू, ब्रांड वेबसाइट्स के थ्रू, सबको आप कुछ एक ही जगह पर प्रोवाइड करा देता है। मतलब आपको कहीं नहीं जाना है, बस आपके पास मोबाइल फोन होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, सारी चीजें आपको यहीं मिल जाएगी। Now here is few basic 8 type of digital marketing strategies यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि social media marketing platform, जहाँ पर आप Facebook पर मीशो का ऐप चलता है या मामाअर्थ का ऐड चल रहा है, तो ये जो ऐड जो चलते हैं ये क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ मार्केटिंग, सोशल मीडिया में आपकी मार्केटिंग हो रही है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, किसी को आप पसंद करते हो, जैसे कि MS धोनी क्रिकेटर आप पसंद कर रहे हो, अमिताभ बच्चन जी आप पसंद करते हो, वो अगर किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो वो भी डिजिटल माध्यम से आपको चीजें अगर शो हो रही हैं तो आप उसको लेकर भी इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि उन्होंने किसी वेबसाइट को प्रमोट किया है कि हाँ ये वेबसाइट अच्छी है, आप इसको प्रेफर करके दे दीजिए। जैसे फर्स्ट क्राई का
अमिताभ बच्चन जी कर रहे हैं, तो इन्फ्लुएंसर क्या आप उनको इन्फ्लुएंस करते हो, वो आपको इन्फ्लुएंस करता लाइक आप उनको फॉलो करते हो तो उनसे इन्फ्लुएंस होकर आप ले रहे हो। ईमेल मार्केटिंग, आपके पास ईमेल्स आ जाते हैं कि स्विगी पर ऑफर चल रहा है या फर्स्ट क्राई पर ऑफर चल रहा है, तो वो ईमेल मार्केटिंग हो गया। अगेन यू रिक्वायर्ड दी मोबाइल फोन, डेस्कटॉप और आपके पास इंटरनेट चाहिए। कंटेंट मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पे पर क्लिक, एफिलेटेड मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग जो है इट इज रिलेटेड कि मोबाइल पर आपका एक आपने ऐप ओपन कर लिया है और उस एप्लीकेशन पर ही आप जो भी आपको परचेज करना है ना वो आप देखते जा रहे हो, उसी पर आपको ऑफर्स भी मिलते जा रहे हैं, जैसे बिग बास्केट हो गया। मतलब ये सारी अगर देखो तो वही चीज है जो आपके रोजमर्रा की लाइफ में उपयोग आने वाली जो चीज है ना, वही घर में आप क्या करते हो ना, दूध ऑर्डर कर रहे हो, फूल ऑर्डर कर रहे हो या फल कर रहे हो, कुछ भी ऑर्डर कर रहे हो, घर बैठे बैठे आपको सारी चीजें मिल रही है, तो ये एप्लीकेशंस के थ्रू आप कर सकते हो, तो वो मोबाइल मार्केटिंग हो गया। अब इन तीनों को मैं आपको, इन चारों को बता रही हूँ। कंटेंट मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो नॉर्मल आप कोई भी जो सर्च इंजन है उस पर जाकर आप मार्केटिंग कर लेते हो। पे पर क्लिक क्या होता है और एफिलेटेड मार्केटिंग क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। देखो कंटेंट मार्केटिंग जो होता है बेसिकली यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर कोई कस्टमर हमारी वेबसाइट पर आता है, ही रिक्वायर्ड सम काइंड ऑफ हेल्प, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पर कंटेंट मार्केटिंग में कुछ ऐसे वीडियोस या फिर चैट रूम बना हुआ रहता है जिसके माध्यम से वो अपने क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो यहाँ पर अवेयरनेस स्टेज, कंसिडरेशन स्टेज और डिसीजन स्टेज, तीन तरह की चीजें होती हैं, तीन तरह के पाप की जर्नीज होती है बायर्स की। अवेयरनेस स्टेज की लाइक बायर रियलाइज दे हैव नीड, उनकी कोई जरूरत है उसको पूरा करने के लिए वो कर रहे हैं। कंसिडरेशन स्टेज, बायर डिटरमाइन अ कोर्स ऑफ एक्शन टू मीट दिस नीड, वो अपनी नीड को पूरा करने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। और डिसीजन की उसने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे अब प्रोडक्ट लेना है। तो इस तरह से थ्री स्टेजेस पर आपका ये जो काम है ना ये कंप्लीट होता है कंटेंट मार्केटिंग वाला। सारी चीजें वीडियो हो गया, चैट रूम हो गया, कंटेंट, सारा कुछ आपका वेबसाइट्स पर अवेलेबल रहता है, दैट इज कंटेंट मार्केटिंग, है ना, कि आप कंटेंट के थ्रू यहाँ पर मार्केटिंग कर रहे हो। फिर पे पर क्लिक, पे पर क्लिक का मतलब होता है कि कोई भी पेड एडवर्टाइजमेंट होती है कि आपका कोई भी एक वेबसाइट चल रहा है, अगर किसी वहां वेबसाइट के ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, इस एडवर्टाइजमेंट को अगर किसी ने क्लिक किया तो हर, मतलब इससे भी आप क्या कर सकते हो, एक तरह से मनी गेन कर सकते हो। तो अगर किसी ने उस एडवर्टाइजमेंट क्लिक किया तो आपकी वेबसाइट को भी क्या मिलेगा, उस पर मनी मिल जाएगी ना आपको, उसका पर क्लिक का आपको यहाँ पर पैसा मिलता है। तो इसके चलते भी लोग इस तरह की चीजों को ऐड करवाते हैं, तो दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर द डिजिटल मार्केटिंग। अगेन एफिलेटेड मार्केटिंग, एफिलेटेड मार्केटिंग ये आपका रेफरल प्रोग्राम की तरह काम करता है। ये जैसे आउटसाइड जो इंडिविजुअल्स होते हैं या जो कंपनीज होती हैं उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है, और अगेन वही यहाँ पर कि आप क्या करते हो कि अपनी वेबसाइट्स पर इनके प्रोडक्ट को आप दिखा रहे हो, ठीक है, तो जिससे कि इनका भी क्या हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व वर्किंग विथ आउटसाइड इंडिविजुअल्स और कंपनीज अंडर द एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट के थ्रू काम करते हैं, दैट दे प्रमोट योर प्रोडक्ट एक्सचेंज फॉर कमीशन। आप इनको क्या दे रहे हो, मनी दे रहे हो, और ये आपको क्या दे रहे हैं, प्रमोशन दे रहे हैं, ठीक है, तो प्रमोशन की जगह आपको पैसा मिल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द एफिलिएटेड मार्केटिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट दी स्ट्रेटजीज एंड ऑल, ये कुछ 8 स्ट्रेटजीज है जो काफी हद तक इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग को लेकर, तो आपको इनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रहना जरूरी है। आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे गाइज, आई होप कि सेशन पसंद आया हो, तो जल्दी से लाइक कीजिए, लगता है कि मैम ने एफर्ट्स किया है, तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको क्लासेस का और सारा नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।